हांगकांग वालों, अगर बैटिंग नहीं आती है ना तो नेपाल के सामने मत आया करो, अगर बैटिंग नहीं आती है ना तो दीपेंद्र सिंह एरी के सामने मत आया करो, क्योंकि भाई ये नेपाल वाले हैं, ये आपको रगड़ के रख देंगे, समझ रहे हो? ये कोई हांगकांग का पिच नहीं है जहाँ पे भाई तुम 200 नेपाल के अगेंस्ट मार लोगे, ये भाई ओमेन का पिच है, ये है अलग कंट्री के कंडीशंस, और अलग कंट्री के कंडीशंस पे सिर्फ नेपाल खेलना जानता है। मतलब आज जिस तरीके से नेपाल ने खेला है, आप कह सकते हो कि एकदम आउट क्लास, बेस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे पूरे डोमिनेशन जो है नेपाल ने यहाँ पे दिखाया, डोमिनेटिव तरीके से जो है यहाँ पे खेली है। और लास्ट वाले मैच में दीपेंद्र सिंह एरी ने 6 छक्का मारा था, तो लोगों को यहाँ पे लग रहा था कि भाई तुक्का है, 6 बॉल पे 6 छक्का मार दिया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी किया था, लेकिन जो हेटर्स है वो तो हेट ही करते, आपको पता है। लेकिन आज फिर से दीपेंद्र सिंह एरी ने ना यहाँ पे हांगकांग वालों को ये बताया कि भाई हांगकांग वालों, अगर बैटिंग नहीं आती ना तो मेरे सामने मत आया करो, क्योंकि 2 बैक टू बैक विकेट उसने जो है लास्ट ओवर में निकाले। मतलब जब 8 विकेट गिरे हुए थे, लास्ट के 2 विकेट यहाँ पे निकाला गया, तो समझ रहे हो? यहाँ पे नेपाल ने आज एकदम आउट क्लास प्ले किया है, नेपाल ने एकदम यहाँ पे डोमिनेशन दिखाया है कि भाई वर्ल्ड कप में जो है ना हम लोग आ रहे हैं। मतलब श्रीलंका को कह रहे हैं, बांग्लादेश को कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका को कह रहे हैं, नेदरलैंड को कह रहे हैं कि भैया आप तैयार रहो। और नेदरलैंड से तो वैसे भी अपना यहाँ पे बदला बाकी है फाइनल का, तो वो बदला भी यहाँ पे लिया जाएगा। और अभी जो है नेपाल पूरी तैयार टीम लग रही है, और जिस तरीके से आज यहाँ पे बॉलिंग की गई है, बैटिंग की गई है, फील्डिंग की गई है, आप कह सकते हो कि तीनों में यहाँ पे नेपाल को अगर नंबर दिया जाए 100 में से, तो मैं भाई यहाँ पे 100 में से 200 नंबर दे दूँ, क्योंकि भाई इस तरीके से ही जो आज है ना यहाँ पे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की गई है। पहले यहाँ पे फील्डिंग को लेकर बात करते हैं, मतलब दीपेंद्र सिंह एरी का थ्रो गजब का, मतलब उससे फास्ट तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था फील्ड में आज। सिर्फ एक कॉम्पिटिशन में था, वो था गुलशन जहां, और वो भी मैं बताता हूँ आपको क्यों कॉम्पिटिशन में था, समझ रहे हो? दीपेंद्र सिंह एरी से फास्ट मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। वो बंदा बॉल इतने फास्ट फेंक रहा है कि आसिफ शेख को यहाँ पे ना रिएक्शन के लिए टाइम चाहिए कि भाई रुको, बॉल पकड़ने का टाइम दो, मुझे बॉल पकड़ने का टाइम दो यार, रुक जाओ, सबर करो, इतनी जल्दी क्या है। और एक टाइम पे आसिफ शेख के बॉल यहाँ पे लगे, आसिफ शेख गिर गए थे। तो आप कह सकते हो कि परफेक्ट थ्रो मारा गया यहाँ पे, जो हांगकांग के टॉप क्लास बल्लेबाज थे जो टॉप ऑर्डर के, उसको यहाँ पे उड़ाया गया दीपेंद्र सिंह एरी की तरफ से रन आउट करके। बाकी यहाँ पे गुलशन झा कंपटीशन में कैसे थे दीपेंद्र सिंह एरी के, तो कि गुलशन झा इस तरीके से कंपटीशन में थे कि गुलशन झा ने जो है ना वहां पे वो बाउंड्री लाइन से थ्रो मारी, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे कंपटीशन में था गुलशन झा, समझ रहे हो? बाकी यहाँ पे देखो बॉलिंग को लेकर अगर मैं कहूँ तो बॉलिंग आउट क्लास, अविनाश बोरा, ललित राजवंशी, बहुत ही गजब की बॉलिंग की गई है यहाँ पे। दीपेंद्र सिंह एरी ने खुद यहाँ पे जो है लास्ट में 2 विकेट निकाले हैं। और उसके बाद बैटिंग की बात की जाए तो भाई कुशल भुरतेल, आप सबको पता है कि भैया वो है थोड़ा मूडी आदमी, मतलब समझ रहे हो, कुशल भुरतेल है मूडी, और वो मूड में आ जाता है ना तो भाई किसी भी बॉलर को रगड़ देता है। ये मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि भाई वो जिस दिन चल गया तो एकदम मान लो कि ऐसा है ना कि भाई सूत देता है, वो सूत देता है, मतलब जितने भी बॉलर होते हैं ना सबको भाई सूत देता है, और बॉलर मूत देता है, समझ रहे हो? बॉलर को मूतना पड़ता है यहाँ पे बैट्समैन के सामने कि भाई आउट कैसे करो। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे रही। अब देखो नेपाल यहाँ से जो है पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है, नेपाल सेमीफाइनल में ऑलरेडी पहुंच गई है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि बाकी जो उनके ग्रुप्स के जितने भी प्लेयर जो टीम है वो अभी यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्ट्रगल करेगी। अब शायद वो लोग बाहर ही हो गई है क्योंकि अब ज्यादा मैचेस हैं, एक ग्रुप से एक बंदा ही जो है, तो एक टीम ही जो है यहाँ पे जा सकता है। तो नेपाल ऑलरेडी सेमीफाइनल पहुंच गया है, और ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर मैं कहूँ नेपाल तो भाई वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके की डोमिनेशन वाली परफॉर्मेंस देके ना आप यहाँ पे बाकी टीमों को डरा रहे हो, सच्ची कह रहा हूँ, आप यहाँ पे बाकी टीमों को डरा रहे हो, क्योंकि बाकी टीम जो है वो आपको हल्के में ले रही थी, लेकिन इस तरीके की 3 के 3 मैचेस में परफॉर्मेंस देख के बाकी टीम जो है वो आपके बारे में रिसर्च करेगी। तो अभी यहाँ से रुकना नहीं है, झुकना नहीं है यहाँ से, और चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और अपनी स्ट्रेटेजी पे जो है काम करते रहना है, अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे जो है और काम करते रहना है। बाकी दोस्तों आज का मैच आप लोगों ने देखा नहीं देखा नीचे कमेंट जरूर करना, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि आज यहाँ पे एकदम भयंकर तरीके से जो है ना नेपाल ने प्रदर्शन दिखाया है हांगकांग चाइना के सामने। मतलब समझ लो कि भाई यहाँ पे आउट क्लास, वर्ल्ड का बेस्ट मैच ना आज यहाँ पे हुआ है नेपाल की तरफ से।